हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का मेकअप देख के आप थोड़ा थोड़ा तो गेस कर ही चुके हों कि मैं आज आपके लोग के साथ कौन सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सावन स्पेशल ग्रीन मेकअप लुक। सो गाइज, आज का लुक बहुत ही सिंपल एंड सटल लुक है, एंड जो आई लुक है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टर्न आउट होके आया है। ये जो डार्क ग्रीन एंड नियॉन गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना प्रिटी लगेगा। कैन यू सी, बहुत प्रिटी लग रहा है ये आई मेकअप। सो मैंने इस लुक को बहुत ही सिंपल एंड सटल रखा है ताकि आप लोग भी इसे इजीली वेयर कर पाएँ। अगर अभी राखी आ रही है, सावन का सोमवार है, जो भी शादीशुदा औरतें हैं वो इस लुक को बहुत ही इजी कैरी कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी ड्रामेटिक सा नहीं है, कुछ भी हैवी सा नहीं है जो कि डेली यूज़ में या सिंपल पूजा वूजा में आपको करने में अच्छा ना लगे, तो इसलिए मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया है। आई होप कि ये वीडियो, ये मेकअप लुक आपके लिए हेल्पफुल हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। या तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यह स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से, एंड मैंने यहाँ लिया है जीबी का ये कोकोनट क्रीम। सो इसे मैं अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। देन मैंने अगेन जीबी का ये रोज हिप सीरम लिया है, एंड यू गाइस नो ये सीरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी है। सो टीनएजर्स एंड बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। देन प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल। सो इसे भी मैं अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज, मैं जितने भी प्रोडक्ट यहाँ यूज़ कर रही हूँ या करती हूँ वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन। इसे मैं एज अ आई बेस यूज़ करूँगी। सो गाइज, अगर आप बिगनर्स या टीनेजर्स हैं तो आप अपने फाउंडेशन या BBCC क्रीम को एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने हैंड पे उसे लेने के बाद थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। इससे वो क्या हल्का सा थिक हो जाता है, तो वो एज अ कंसीलर ही वर्क करेगा आपके लिए। सो देन मैं यहाँ पे अपने आई बेस को सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पैक्ट, एंड ये है मेबलिन का कॉम्पैक्ट। तो मैं ब्रश की हेल्प से इसे सेट कर लूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का ये विंकी 36 आई शेडो पैलेट, एंड रिसेंटली मैंने इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू किया है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। ये बहुत ही ऑसम पैलेट है। सो देन मैंने इस पैलेट से लिया है ये ब्राउन शेड, एंड इसे मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। देन मैं यहाँ ले रही हूँ ये ग्रीन शेड, एंड इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं सिर्फ अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड इसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। सो आप देख सकते हो मैं इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हुए, एंड मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन मैंने सेम फाउंडेशन लिया है अपने फिंगर पे, हल्का सा लिया है अपने इनर कॉर्नर को क्लीन करने के लिए ताकि मैं इस पर अपना मनचाहा कलर अप्लाई कर पाऊँ। देन मैंने अगेन ग्रीन शेड लिया है ब्रश में, एंड अपने कलर को फिर से डिपॉजिट कर रही हूँ। देन मैं यहाँ से ले रही हूँ ये नियॉन गोल्डन शेड, एंड इसे मैं अपने मिडिल ऑफ द आईलेट पे अप्लाई करूँगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो रहा है, एंड इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो। एंड इस ग्रीन शेड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा था। देन मैंने ये शैम्पेन शेड लिया है, एंड इसे मैं अपने इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, इनर कॉर्नर पे। सो देन मैं अच्छे से ग्रीन एंड इस गोल्डन शेड को मिक्स कर ले रही हूँ। देन मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का ये आईलाइनर, एंड मैं बहुत ही थिन आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मैं थिन आईलाइनर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो अच्छे से दिखे। अगर आप थिक आईलाइनर अप्लाई करोगे तो आपका जो आई मेकअप है वो छिप जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये काजल, एंड ये बहुत ही अच्छा काजल है, अफोर्डेबल भी है। सो या यू कैन ट्राई इट। इसे मैं अपने लोअर वाटरलाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। सो या मेरी सेकेंड आईज भी डन हो चुकी है।
देन हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस मेकअप, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है फिटमी का फाउंडेशन एंड इसमें मैंने हल्का सा सीरम को मिलाया है ताकि ये मेरे फेस को ड्राई ना करे। वैसे तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था, सो मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड ब्लेंडिंग हमेशा डाउनवर्ड मोशन में करें, इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगी एंड जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी पैची नहीं दिखेगा। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम सिस ब्यूटी एंड अगेन दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल कंसीलर। तो इसे मैं अपने सारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से सारे अपने प्रोडक्ट्स को ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर 20 समथिंग का है। सो मैं अच्छे से डैब मोशन में अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप कभी भी अपने कंसीलर को फैलाएं ना, वो बहुत गंदा दिखता है। तो जहाँ अप्लाई किया बस वहीं तक उसे ब्लेंड करें। देन मैं सेम कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लूँगी, आप देख सकते हो। एंड मैं यहाँ से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना हो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़। सो मैं यहाँ ले रही हूँ 20 समथिंग पैलेट एंड इसमें से मैंने ये कॉन्टोर शेड लिया है एंड इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। तो जब आप फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर ये सब अप्लाई करते हो तो आपका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन हो जाता है, तो आपको उसे शेप देना होता है, तो कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हल्का ही कॉन्टोरिंग करें बट कॉन्टोरिंग ज़रूर करें। तो मैं अपने चिक बोन्स को, फोरहेड को, नोज़ को एंड जॉलाइन को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। देन मैंने सेम पैलेट से ये पीची सा शेड लिया है एज अ ब्लश। सो इस पैलेट में आपको सब चीज़ मिल जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर भी आपको मिलते हैं। सो ये पैलेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ माल्याओ का ये आईब्रो पैलेट एंड फर्स्टली मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लिया है। देन मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ अपने आईब्रो पे। सो अगर आपको जानना है कि आईब्रो को कैसे फिल किया जाता है या सबसे इजी वे, तो उसका वीडियो भी मैंने किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो यार इट्स डन। देन अब टाइम आता है हाइलाइटर का, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ। बट मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम से मैं ब्रश से ही करने वाली हूँ, मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो मैं अपने ब्रा बोन को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। वैसे आज मेरे आईब्रो बहुत अच्छे लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैंने अपने इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। देन मैं ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन को स्मूथ आउट कर लूँ। एक्चुअली पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ब्लू शेड बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो देन मैंने उसे मिटाकर यहाँ पे ब्राउन शेड अप्लाई कर लिया। सो लिपस्टिक लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की ये रेड लिपस्टिक, जो कि ग्रीन के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो मुझे ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये सिंपल सा सटल सा आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हो सिंपल घर के पूजा में या सोमवार के व्रत में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल फ्री है, बस 2 सेकेंड लगने वाले हैं आप। सो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना और उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उससे पे हिट कर दें। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट।